हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको आज नरेंद्र भाई के एक ऐसे ड्रीम के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं जनरेशन और पावर ऑफ सोलर एनर्जी। और पावर ऑफ सोलर एनर्जी इट मीन्स दैट कि इंडिया में नॉर्मली पावर जनरेशन जो होता है इसमें द मेन पार्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड सेकेंड वन इज थर्मल पावर एनर्जी। थर्मल पावर में द रॉ मटेरियल इज कॉल। कॉल नॉर्मली वी आर बाइंग फ्रॉम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक एंड साउथ अफ्रीका। एंड अगर हम लोग एटॉमिक एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो यूरेनियम है जो इंडिया को आज के दिन में मिल रहा है, कनाडा से मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, ये ट्रीटी और ये सारी कॉमोडिटीज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे कि हम लोग अगर पावर जनरेशन में, थर्मल पावर में बात करें, तो जो कॉल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन में, जिसमें हमारा बहुत सारा रेवेन्यू, फॉरेन रेवेन्यू हमारा बाहर जा रहा है, वो सारा मटेरियल कॉमोडिटी बेस है। और आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कॉमोडिटी में कॉल के प्राइजेज अप होंगे या वॉर या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइजेस बहुत बढ़ सकती है। और अगर कॉल प्राइजेस बढ़ जाएगी तो बट नेचुरल जो जनरेशन है इसमें फ्यूल चार्जेस बढ़ेंगे और पावर के दाम और भी पर यूनिट बढ़ जाएंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी में फ्रेंड्स ऐसा है कि न्यूक्लियर एनर्जी में वी आर बाइंग इट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, और वहाँ पे कुछ ऐसा है ट्रीटी में कि इन कंडीशन ऑफ वॉर अपना सप्लाई शॉर्ट भी हो सकता है या सप्लाई बंद भी हो सकता है। इन दैट कंडीशन व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इज, नरेंद्र भाई ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने इस सॉल्यूशन को ऐसे जॉइंट किया सोलर एनर्जी से। इंडिया, जापान ऐसे जो कंट्रीज है वो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बोला जाता है कि सूर्यनारायण की हमारे ऊपर कृपा है। अगर ये सोलर एनर्जी का हम लोग यूटिलाइजेशन करें तो इससे जो एनर्जी प्राप्त होती है, एक तो ग्रीन एनर्जी है, सेकेंडरी ये है कि इसको कोई भी सिचुएशन, वॉर सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, इसको कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता है। हम लोग कॉन्स्टेंटली इसको भगवान से, सूर्य भगवान से रिसीव कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि एक ही बार इसको इंस्टॉल करना है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम बनाई हुई है, 1 किलोवाट का पावर जनरेशन अगर करना है तो द कॉस्ट इज 69,000 रुपीज। इस 69,000 रुपीज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20,000, 20,000, 21,000 का एक सब्सिडी दिया हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट में पर किलोवाट का 10,000 रुपीज का सब्सिडी है। यानि इफ वी आर बाइंग इट अप टू 31st March 2017, देन ये सारी सब्सिडी की सुविधा हमें मिल सकती है। मैं इसका एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग 10 किलोवाट का इंस्टॉलेशन अपने घर के ऊपर कराते हैं तो 1 किलोवाट से पावर यूनिट का जनरेशन होता है पर यूनिट, पर किलोवाट का यूनिट जनरेशन पर डे का होता है 4 यूनिट। अगर आपने 10 किलोवाट इंस्टॉल करवाया है तो 10 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 4, इट मींस अ 40 यूनिट्स का पावर जनरेशन आपको हर दिन ये इंस्टॉलेशन से मिलेगा। 30 दिन के बाद आपके पास टोटल यूनिट जनरेट होके आएंगे, दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय 30 यूनिट्स, इट मींस 1200 यूनिट। और 2 महीने जो अपना नॉर्मली बिलिंग साइकिल है, 2 महीने में वो यूनिट टोटल हो जाएगा 2400 यूनिट्स। अगर 10 रुपया भी हम लोग 10 रुपीज अगर चार्ज कंसिडर करते हैं यूनिट का, तो 2 महीने में आपका अगर 24,000 रुपये का बिल आता है तो वो 10 किलोवाट इंस्टॉलेशन से, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से बिल नील हो सकता है। अब 10 किलोवाट अगर आप लोग इंस्टॉल कराते हो तो आपका खर्चा कितना होगा, मैं लमसम के हिसाब से चलता हूँ कि अगर वो इंस्टॉलेशन 1 किलोवाट का अगर आपको पड़ता है 40,000 में, से फॉर एन एग्जांपल, तो 10 किलोवाट का हो जाएगा 4 लाख रुपीस में। इस 4 लाख रुपीस को
अगर आप कंसीडर करें तो हर दो महीने में आपके पास 24,000 रुपीस का सेविंग होना चालू हो जाएगा, यानी सालाना आपका जो सेविंग हो जाएगा वो करीबन 1.5 लाख तक हो जाएगा। नाउ आप सोचिए कि आपने 4 लाख रुपए में 10 किलोवाट का पावर जनरेशन का सोलर पैनल इंस्टॉल कराया है, जिससे बिलिंग में 1.5 लाख रुपया हर साल आपको फायदा हो रहा है, आपकी बचत हो रही है। तो ये मैथमेटिक्स आता है कि करीबन 3-3.5 साल में या 4 साल में आपका जो भी इंस्टॉलेशन के ऊपर एक्सपेंसेस है वो पूरा रिटर्न बैक हो जाएगा। अब सोलर पैनल की जो लाइफ है, इसके बारे में बोला जाता है कि वो लाइफ है करीबन 20-25 ईयर्स। तो ये 3-4 साल के आपका जो रिटर्न बैक हो गया, उसके बाद का 21 साल आप लोग टोटली फ्री में ये अपने घर की सोलर एनर्जी, जो भी सोलर एनर्जी एक्सपेंस है, इसको नील कर सकते हो। और फ्रेंड, मैं ये भी जानता हूँ कि जैसे जैसे ये प्राइजेस बढ़ेंगे तो एक दिन ये हो जाएगा कि यूनिट जनरेशन आपका या यूनिट का जो यूटिलाइजेशन है वो सेम रहेगा, लेकिन फ्यूल चार्जेस बढ़ने के कारण मे बी विद इन 10 ईयर आपका जो लाइट बिल है वो बढ़ के 3x, 4x, 5x भी हो सकता है। इन दैट केस, इफ आपने ये इंस्टॉलेशन करवा दिया है तो आपका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट ने ऐसा बढ़िया एक स्कीम इसमें निकाला हुआ है कि अगर आपने ज्यादा यूनिट जनरेट कर दिए तो भी वो यूनिट हो जाएगा, गवर्नमेंट अपने जी बोर्ड के पास वापस जाएगा, और ये जी बोर्ड इसको पर यूनिट के हिसाब से आपको जो पैसा वापस देना है वो वापस देंगे। तो ये विचार नरेंद्र भाई का ये है कि हम लोग इंडिया में अगर ये सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए अपने घर के ऊपर ये इंस्टॉलेशन करा देते हैं तो इससे देश का जो रिजर्व है वो बाहर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये एक बार आपका खर्च हो गया, इसके बाद हमें न तो कोलसा खरीदना है, न कोल खरीदना है, न हमें यूरेनियम खरीदना है। तो जो इंडिया के पास रिजर्व बचेगा, इस रिजर्व का कैलकुलेशन ये आ रहा है कि करीबन 5 साल में हम लोग वो 3 डेवलप्ड कंट्री है उसके पैरेलल हो सकते हैं। इतना बड़ा रेवेन्यू अभी बाहर जा रहा है, अपना रिजर्व बाहर जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और नरेंद्र भाई का ये जो विचार है, इस विचार को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये 31 मार्च 2017 तक जो अपना ये स्कीम इन्होंने सब्सिडी का रखा है, मैं पूरे देश को मेरे इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमें ये योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए, जिससे हम देश का रेवेन्यू बचा सकें। आप सभी को मेरा आज के पुण्य दिन के ऊपर शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय भारत।